हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं करुणा और आज हम क्रिएट करने वाले हैं आलिया भट्ट का ट्रेंडिंग मेकअप लुक, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. और चलिए बगैर फिर देरी करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ लॉरियल का बेस ट्रांसफॉर्मिंग स्मूदिंग प्राइमर. सो फेस को मैंने ऑलरेडी प्रेप कर रखा है विद सीरम एंड मॉइस्चराइजर. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लामेयर का, आई होप सही प्रोनाउंसिएट किया है, ड्वी ग्लो स्किन परफेक्टिंग क्रीम फाउंडेशन. इससे मेरा शेड है फिक CF16. सो इसको फिंगर की हेल्प से लेके और फेस पे अप्लाई करूंगी. सेम क्रीम फाउंडेशन लेके आईलेट्स को सेट कर लेंगे और अंडर आई में भी इसको अप्लाई कर लेंगे. और फिंगर की हेल्प से मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ. आई सेट कर लेंगे अपने फेसेस कैनेडा के कॉम्पैक्ट के साथ. तो आईज के साथ साथ पूरा फेस सेट करेंगे ताकि हमारा जो मेकअप है वो देखी ना लगे. सेम पैलेट से ये ब्राउन शेड लेंगे. बहुत ही सॉफ्ट सटल मेकअप हुआ है इसमें. Can you see the pigmentation? Next, ये सेम पैलेट में से ये ब्लैक शेड लेंगे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से. और इसे मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज लगाऊंगी अपनी लैशेस के, जैसे हम आईलाइनर ड्रॉ करते हैं. और बहुत ही फाइन और प्रिसाइज ड्रॉ नहीं करना, बस हमें यूं ही ड्रॉ कर लेना है. एंड इसके बाद ये लाइट शेड ले रहे हैं सेम पैलेट में से और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड करूँगी अपने ब्लैक और जो मैंने पहले वाला जो शेड अप्लाई किया था उसके साथ, एक अच्छा स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए, जैसा कि आलिया ने अपने लुक में रखा है. और फिर एक फ्लैट ब्रश के साथ मैं लोअर लैश लाइन को कम्प्लीट करूँगी. तो सब फर्स्ट मैं ये ब्लैक वाला शेड ले रही हूँ और इसको हम अप्लाई करेंगे बहुत ही नियरली अपने लोअर लैश लाइन पे. और जैसे काजल अप्लाई करते हैं सेम वैसे ही अप्लाई करना है. आप चाहो तो काजल भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ये पैलेट से ये ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ और ताकि एक स्मजी और मतलब अच्छा सा एक लुक निकल के आए. सो आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये मतलब लग गया है लाइनर आप कह सकते हो, काजल कह सकते हो. देन इसके बाद ये लाइट वाला जो शेड था जो हमने पहले अप्लाई किया था फर्स्ट ब्राउन शेड, उसको लेके और इसको स्मज कर लेंगे हम आपस में. देन इसके बाद यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा. और मैं यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि ये मस्कारा जो है वो वाटरप्रूफ मस्कारा है, आप सब जानते होंगे. और ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमनाइजिंग कर लेता है लैशेस को और ज़रूरत नहीं होती फॉल्सीज की, बट अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. बट मैंने यहाँ पे कोई भी फॉल्सीज अप्लाई नहीं की है. देन इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँ फेसेस कैनेडा का ये ब्लश. इसको हम अपने जो हमारी जो चीक बोन होती है इसके बिल्कुल साइड में लगाएंगे और लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे. हमें अपना पूरा चीक कवर नहीं करना है, हमें मतलब हाई पॉइंट्स पे ही लगाना है इसको. देन इसके बाद यहाँ पे ये फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक, सॉरी लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. और इसी के साथ ही हमारा लुक हो जाएगा कम्प्लीट. तो आई होप कि आपको ये लुक पसंद आया होगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये लुक पसंद आए, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इट्स मीन अ लॉट कि अगर आप हमारे वीडियोस देखें और उन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ये हेल्प करता है हमारे लिए, हमारे ग्रो के लिए, हमारे
फैमिली के लिए, YouTube फैमिली के लिए। सो या गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैं नाक में जैसा उन्होंने पहना है वो पहना भूल गई थी। सो या, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।